आसान इजी शब्द हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई इसमें नहीं डाला मैंने। तो आप गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्मूथली एक एल्बम जा रहा है। सब गाने आमद से हुए हैं, मतलब हम लोगों ने कोई प्लान करके बैठ के कि ये गाने बनाने ऐसे बनाने कुछ नहीं। मैंने आपको जैसे एक स्टोरी बताया भी था कि हम निखिल भाई के साथ एक मॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई एक ट्यून आई आप इस पर मुखड़ा लिखो। मैं बोला दीजिए दादा आप मुझे ट्यून दे दीजिए, तो उन्होंने मोबाइल पर गा के मुझे ट्यून दिया। तो हम लोगों ने मॉल में चलते चलते एक मुखड़ा बनाया जो इस एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग है दीवाना मेरा दिल, आप सुनेंगे। वो जो मॉल था पैलेडियम मॉल में, हाँ नर ना 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 Very good. Thank you, sir. Songs are shot in Australia, no? All the songs are shot in Australia. Actually, Rishmi ji ka phone aaya ki mere kuch dost the, maine unko bola aap wahin se kisi se karwa do shooting. To unhone bola ki wahan ke jo log hai bahut acche, lekin bahut hi professional dhang se un log ne sab kuch de diya hai, budget. Maine bola ye kaam jo hai ye creation ka kaam hai. Ye aisa nahi ho sakta hai main bag leke ghar se mujhe video shoot karna hai, itne ghante mein itna cost hoga. To maine Rishmi will come and do your songs kyunki hamare gaane hain. और जब हम पिक्चराइज करेंगे तो अलग ही होगा, मैं वो गाने की जान मुझे मालूम है कि गाने की जान है ना, तो आई नो द फील। और प्लस वहाँ लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से, तो जब आपको समय मिले तब हम लोग शूट करेंगे। उस बहाने हमें ऑस्ट्रेलिया भी देखा, एक नई दुनिया में देखा कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। सो दोनों काम हो गए, एक हल्का सा एक हॉलीडे भी हो गया और काम के टाइम पे काम। एंड शी वॉज मोर प्रोफेशनल, रेशमी वॉज मोर प्रोफेशनल, वेरी डेडिकेटेड। I'd like to say creativity is not within restricted time. You have to allow the time for creativity to flow. और उनका वो time schedule जो था उसमें creativity, you know, it's very hard. वो नहीं कर पाओगे। अच्छा इसमें से आपका जो एक favorite song है, वो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। Just दीवाना मेरा दिल ही। हाँ हाँ करना। तेरी राहों में तेरी बाहों में आने को मचले ये दिल, शाम सहर तेरी बस एक नजर पाने को मचले ये दिल, तेरे इश्क में खो जाने को हर लम्हा बेताब है, दीवाना मेरा दिल 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 दीवाना मेरा दिल 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 दीवाना मेरा दिल दिल दिल। रेशमी को मैंने ना अलग अलग ढंग के गाने दिए, ये गाना सूफी रंग का है, मोरा सैया सैया मोरा सैया सैया मोरा सैया सैया सैया, मैंने अलग अलग ढंग रंग, उन्होंने बहुत मेहनत की और आप जो वीडियो देखेंगे तो यू अंडरस्टैंड ना, वो आप वो मेहनत रंग लाते हैं। नॉटी टॉक के गाना है, नॉटी टॉक नॉटी टॉक, तो रिजल्ट तो वही है, या हम लोग कुछ भी गाया कुछ भी हो, जो रिकॉर्डेड रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट। और बहुत अच्छा काम हो गया भाई, गॉड से मुझे बहुत खुशी है, फ़खर है इस एल्बम से, क्योंकि एल्बम मैंने बहुत किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक एल्बम कहीं ना कहीं किसी को टच करे। ये पहला एल्बम हमने अभी हम कुछ अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें शान ने भी गाया है हमारे साथ। शूट की बात है, पहले एल्बम में हमने उधर नरीमन पॉइंट ये सब इधर गए थे, पर अभी इस एल्बम के लिए हमने कोई लोकेशन नहीं चूज किया है ऐसे ना कि कहाँ। अब हो ही रहा है कुछ मैंने बोला कि उनको, उन्होंने बोला कि मुझे गाने का शौक है और मुझे इंडिया आना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपके लिए कुछ गाने बनाए, आप टेंशन मत लो, एल्बम हो ना हो, यू कम एंड सिंग, बिकॉज शी इज़ मैरिड टू म्यूजिक ऑल्सो, वेरी फ्यू पीपल लव म्यूजिक, यू नो शी इज़ अ वेरी गुड अप्रिशिएटर ऑफ म्यूजिक, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन फॉर म्यूजिक, सबके गाने अप्रिशिएट करती है, सो यू कम यू सिंग, अगर आपको लगता है ये एल्बम बन जाएगा बन जाएगा, अदरवाइज यू जस्ट सिंग। तो मैंने गाने कंपोज करके रखे उनके लिए। How do you see yourself after the Indian market? So, because you're staying in Australia, So you think that internationally also you have a very big chance because of your stay in Australia. So you may be having lot of
वो क्या है कि मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा. ये दिस वॉज माई ड्रीम एंड मैंने उसको सिर्फ अपना ड्रीम है प्रोस्यू किया. तो उस तरह से आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार. अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो आई एम नॉट सेइंग कि नो, बट एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम नॉट लुकिंग फॉर फेम, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग. बट आई द वे आई सी कि कैसे सब कुछ हो रहा है अभी, मैं जैसे फिजी से हूँ ना, तो पैदाइश फिजी के, वो सारा कंट्री मेरे पीछे अभी ऐसे लगा है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं ना. उनका फिजी अब छोटा जगह है तो एवरीवन्स काफ़ी अभी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई हूँ और ये सिडनी भी मैं भी अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई हूँ. सो लोग सपोर्टिव हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है. नॉर्मली आफ्टर द एल्बम इज बिकमिंग पॉपुलर नो सिंगर्स गेट मोर फेम इन शोज, सो यू मस्ट बी हैविंग योर ओन स्ट्रेटजी फॉर हैविंग शोज, लाइव शोज एंड ऑल. आई वॉज वेटिंग कि ये लॉन्च हो जाए फिर देखते हैं कैसे आगे क्या करना है. या वो तो है एक वी आर प्लानिंग अ बैंड आल्सो एंड आई टोल्ड हर यू शुड मेक अ बैंड बट शी इज गोइंग वेरी सिस्टमैटिकली. क्या ये जो काम है जो शोज का है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए. जैसे रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करके ये एल्बम किया है तो शोज का भी ऐसा ही होगा कि प्रॉपर बैंड होगा, प्रॉपर रिहर्सल होंगे. और तब मैंने बोला रेशमी जो करो अच्छा करो. जैसे शी इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग. कोई भी काम होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए. इवन वीडियोस हम लोग जब यहाँ से वीडियोस भेजते थे एडिट करके, बहुत सारे क्वेरीज आते थे. मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलीज़ करो. तो मुझे भी अच्छा लगता था कि कोई भी काम करो बहुत अच्छा करो, क्योंकि वो ज़िंदगी भर फिर जैसे डिजिटल में है, यूट्यूब में है या कहीं भी, वो ज़िंदगी भर रहेगा काम. और ये मेरा भी सिद्धांत है कि जितना भी आज तक मैंने काम किया, एल्बम्स कम से कम 100 से ज़्यादा किए, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैंने कि मैंने आधा काम किया है. करो तो पूरी जान लगाओ. तो सेम रेशमी भी वैसी है, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हार्ड वर्किंग. और सबसे बड़ी बात ये गाने में थकती नहीं है. और गाने में थकती नहीं बिल्कुल. वो मैं 4-4, 6-6 घंटे डबिंग करता हूँ बिल्कुल रेशमी में, कोई फर्क नहीं. ओके वन मोर. तो ये है पैशन, ये है संगीत से प्यार, ये है शायरी से प्यार, ये है मौसीकी से प्यार. और जब ये होता है, ये सरस्वती से प्यार, ये अल्लाह से प्यार, क्या बात, थ्रू सिंगिंग. और वो उसमें ये है, सही बात. इसलिए मैं रेशमी के लिए हमेशा रहता हूँ, ऐसे फनकार होने चाहिए. एवरीथिंग इज नॉट एक्सेलेंस. बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डेडिकेटेड.